हेलो गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ़ास इंटरनेशनल स्कूल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर नाइन पेज नंबर फिफ्टी एट एंड फिफ्टी नाइन एज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट मुंबई मुंबई का हमने लोकेशन देखा था कि वो कहाँ पर है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ पर कौसी गवर्नमेंट है इंडस्ट्रीज कहाँ हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं सो लेट्स स्टडी अबाउट द इंडस्ट्री फर्स्ट दैन वी विल स्टार्ट आर कल्चर द बाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर इज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट है बाबा ऑटोमैटिक रिसर्च सेंटर यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर दिस वन राइट इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन बम्बई और ये भी मुंबई में ही सिचुएटेड है क्रूड ऑयल इज एक्सटेंटेड फ्रॉम बुम्बई हाई मुंबई हाई से क्रूड जो ऑइल होता है दिस ऑयल इज़ देन रिफाइंड एंड वी विल गेट पेट्रोल डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स क्रूल ऑयल जो होता है जो बाहर से ऑयल आता है वो भी मुंबई हाई पे ही आता है मुंबई में ही आता है मुंबई में और उसके बाद में उसको फिर रिफाइंड करते हैं उसको साफ करके पेट्रोल की फॉर्म में वो अलग बनता है डीजल की फॉर्म में अलग बनता है और उससे ही बाकी के अदर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कल्चर ऑफ मुंबई मुंबई इज फेमस फॉर इट्स बिंदास एटीट्यूड्स मुंबई जो है वो फेमस है किसके लिए बिंदास मतलब एक बिल्कुल केयर फ्री की कि किसी भी चीज की केयर नहीं करते बिंदास घूमना उस एटीट्यूड के लिए फेमस है कि जो मन आए वो करो बिंदास रहना राइट इट इज द मोस्ट कॉस्मोपोलिटियन सिटी ऑफ इंडिया इट इज़ द मोस्ट कॉस्मोपोलिटिन मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं विभिन्न प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे कल्चर के लोग भी रहते हैं मुंबई इज़ मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरियस कल्चर मतलब यही हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट वेरियल कल्चर कि बहुत सारे कल्चर के यहाँ लोग रहते हैं मेल्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर आके वो सारे एक साथ मिलके रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के होते हैं यहाँ पर आपको हिंदू मोमडन और सिख ईसाई हर टाइप कल्चर के लोग आपको मिलाएंगे राइट और आपको महाराष्ट्र तो मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट अग अदर कल्चर के भी मिलते हैं एंड इज इन फैक्ट ऑफ माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिया और इसको माइक्रोकॉज्म इसलिए बोला जाता है माइक्रोकॉज्म मतलब हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं इसलिए इसको इंडिया का माइक्रोकॉज भी बोला जाता है अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई इज़ कॉल्ड अ मुंबई कार जो अगर आपका मुंबई में घर है तो वो उसको हम बोलते हैं मुंबई कार ठीक है मराठी मराठी इज़ रिकॉग्नाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुंबई मुंबई में जो मराठी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ पर ये बोलते हैं और ऑफिशियली जो वहाँ की लैंग्वेज है वो मराठी ही है इट इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन सिटी और ज़्यादातर पूरी सिटी में मराठी लैंग्वेज ही बोली जाती है अपार्ट फ्रॉम मराठी मराठी को छोड़ के देर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस और बहुत सारी लैंग्वेज भी बोली जाती हैं दैट आर स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मुंबई जो बोली भी जाती हैं और समझी भी जाती है मुंबई में जैसे हिंदी हुआ इंग्लिश हुआ राइट right? मुंबईया और बम्बया हिंदी इज़ द कॉमनली यूज लैंग्वेज इन द मुंबई कार्स और मुंबई कार्स जो है जहाँ पर लोग वहाँ रहते हैं मुंबई के उनमें मुंबईया और मुंबई हिंदी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा बोली जाती है द लोकल रेलवे नेटवर्कस जो वहाँ के लोकल रेलवे नेटवर्कस है इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिशर्स वहाँ के जो रेलवे क्रॉसिंग्स है और रेलवे जो बनी हुई हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम की बनी हुई है जब हम आज़ाद नहीं हुए ब्रिटिश रूल था उस टाइम की बनी हुई हैं इज़ द लाइफ लाइन ऑफ मुंबई और वो मुंबई की लाइफ लाइन है एंड आर प्रिफर्ड मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ़ द मुंबई कार मुंबई कार्स और प्रिफर्ड मतलब एक private, uh, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक सबसे मोड माना जाता है ट्रांसपोर्ट का मोड माना जाता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है प्रिफर्ड है मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो रेलवे में ट्रैवल करते हैं लोकल के जो लोग होते हैं मुंबई कारा के जो लोग होते हैं वो ट्रेनस वग़ैरह में ट्रैवल करते हैं तो वन ऑफ द प्रिफर्ड मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट माना जाता है वो लेट्स स्टडी अबाउट द फेस्टिवल नाउ कि वहाँ का फेस्टिवल कैसे होते हैं कौन कौन से फेस्टिवल त्यौहार मनाए जाते हैं वहाँ मुंबई कारा सेलिब्रेट वेस्टर्न एंड इंडियन फेस्टिवल मुंबई कारा जो होते हैं मुंबई के जो लोग होते हैं उनको हम मुंबई कारा बोल देते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो वेस्टर्न और इंडियन दोनों कल्चर मनाते हैं मतलब इंडियन कल्चर भी मनाते हैं और वेस्टर्न कल्चर भी मनाते हैं जैसे दिवाली हुआ होली हुआ क्रिसमस हुआ नवरात्रि गुड फ्राइडे ईद हुआ दशहरा हुआ मुहर्रम गणेश चतुर्थी दुर्गा पूजा एंड महाशिवरात्रि आर सम ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन दि दिटी ये सारे फेस्टिवल हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पर भी ये सारे सेलिब्रेट होते हैं गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड इन द सिटी विद ग्रेट फॉरवर्ड मतलब जो गणेश चतुर्थी है वहाँ पर बहुत इंथुजियाटिक होके मतलब बहुत इंथुजिया से मनाया जाता है बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पे मनाया जाता है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी दिस फेस्टिवल इन्वॉल्व द प्लेसिंग ऑफ एन आइडियल ऑफ़ लॉर्ड गनेशा इन द हाउस फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर विच इट इज इमिंज इन टू द ओशन ये फेस्टिवल नॉर्मली जो होता है इसमें क्या करते हैं जो आइडियल होती है लॉर्ड गणेशा की गणेश भगवान की जो मूर्ति होती है उसकी स्थापना करते हैं अपने घर में कुछ दिन और उसके बाद में उनको इमर्ज uh, मतलब होता है विसर्जन कर देते हैं किसमें कोई भी ओशन में या बड़े तालाब में उनका विसर्जन करते हैं दिस फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एज अ मीन्स ऑफ फाइंग ऑल द पीपल अगेंस्ट द फॉरन रूल्स और ये जो फेस्टिवल था ये जो गणेश चतुर्थी त्यौहार है ये बाल गंगाधर तिलक जो हैं यू कैन सी हेयर बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने स्टार्ट किया था क्यों क्योंकि जब फॉरेन रूल्स था मतलब जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में तब से उन्होंने शुरू किया था कि लोगों को ये पता चले कि हम सब यूनिफाइड मतलब हमारी यूनिटी के लिए उन्होंने ये शुरू किया था कि एकता है इसलिए उन्होंने ये फेस्टिवल शुरू किया था आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर और पेज नंबर फिफ्टी एट एंड फिफ्टी नाइन चैप्टर थर्ड वीडियो थैंक यू अ नाइस डे